कोई भी हो, रोड का ही मतलब नहीं, कुछ भी हो। अगर मान लो वेरिएबल डेंसिटी, वेरिएबल डेंसिटी का मतलब समझो पहले, तो मान लो रोड है, ये पहले तो क्या था कि इसकी यूनिट लेंथ का जो मास था वो सेम था। डेंसिटी चेंज करने का मतलब अगर यूनिट का लेंथ का जो मास है वो सेम नहीं है। जैसे मान लो यहां पर जो ये बनी हुई है, तो यहां पर तो थोड़ी सी हल्की है, फिर जैसे जैसे जाते जा रहे हैं भारी होती जा रही है, ये भारी होती जा रही है यहां से यहां तक ही, और भारी हो गई। ऐसे ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हो गया, अब इसका सारी जो रोड है उसका मास हर जगह सेम नहीं हो सकता, क्योंकि इधर तो ये भारी होगी, अपने डेंस करके इधर वेरिएबल कर दी, इसको बोलते हैं अपन वेरिएबल डेंसिटी। तो फिर ऐसे केस में क्या किया जाए? ठीक है, तो अगर मान लो हमें कोई क्वेश्चन दिया जाए कि डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ रोड इज चेंजिंग एज लैम्डा इज इक्वल टू के एक्स, इसका मतलब एक्स एक्सिस पर इसकी जो डेंसिटी लगातार चेंज होती जा रही है, तो इस केस में इसका सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा? पहले जो इसका सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा था, यहां पर अपने एल लेंथ ली थी इसकी, तो लैम्डा सीधा सीधा आ गया था एम बाई एल। लेकिन अब हम लैम्डा एम बाई एल नहीं लिख सकते, क्योंकि मास पर यूनिट लेंथ सेम नहीं है, डिफरेंट है। तो फिर क्या करें ऐसे केस में? इस केस में क्या करना पड़ेगा अपन को? लीनियर मास डेंसिटी को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्सीएम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के एक्स डी एक्स, के एक्स डी एम डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन डी एम। देख, अब डीएम कैसे लिखेंगे कि डीएम बाई डी एक्स इज इक्वल टू लेमडा, ठीक है ना? तो डीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लेमडा डीएक्स। तो अगर मैं लेमडा की वैल्यू यहां पर रख देता हूं के एक्स, तो फिर यहाँ क्या बन जाएगा हमारा? डीएक्स। बाकी काम वैसा वैसा ही, कोई चेंज नहीं है। एक्सीएम इज इक्वल टू क्या आ गया? इंटीग्रेशन के एक्स डीएक्स, जीरो से लेकर के कहां तक? एल तक, डिवाइडेड बाय जीरो से टू ले। डीएम इज इक्वल टू क्या था हमारे पास? लैम्डा डीएक्स। तो यहाँ क्या आ जाएगा? केवल इंटीग्रेशन डीएम। ठीक है, तो क्या आ गया? देखो के बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू, जीरो टू एल, और ये जीरो टू एम, नीचे आ जाएगा हमारे पास एम। तो के एल स्क्वायर बाई टू एम, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको बोलते हैं चेंज इन डेंसिटी या वेरिएबल डेंसिटी के क्वेश्चन। नोट करो फटाफट। ये किसी के घर से बाहर से आवाज आ रही है, जय कदम माइक्रोफोन ऑफ कर दे रहा। चलो कुछ प्रीवियस प्रॉब्लम्स और करते हैं। एक क्वेश्चन आया था सीओएम के ऊपर नेट में, सीओएम ऑफ सिस्टम ऑफ थ्री पार्टिकल्स लाइज एट 0.11
वन। व्हेन द मास ऑफ पार्टिकल्स वन ग्राम टू ग्राम एंड थ्री ग्राम इफ अ फोर्थ पार्टिकल ऑफ मास फोर ग्राम इज प्लेस्ड द COM शिफ्ट्स टू COM शिफ्ट्स टू origin. The position of fourth point is question note kar lo pehle. जब सिस्टम में थ्री पार्टिकल्स थे वन ग्राम टू ग्राम थ्री ग्राम तो सेंटर ऑफ मास वन 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 पर लाई कर रहा था. जैसे एक फोर्थ पार्टिकल रखा अपने फोर ग्राम का सिस्टम का COM 000 पर चला गया यानी कि ओरिजिन पर चला गया तो फोर्थ का पोजीशन क्या था. ये आपको बताना है. देखो RCM क्या होगा इनका थ्री पार्टिकल्स का एम ऑन आर वन प्लस एम टू आर टू एम थ्री आर थ्री डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री और इसकी जो पोजीशन है वन 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 है इसका मतलब क्या हुआ आई के प्लस जे के प्लस के के. तो अगर मैं यहां पर इक्वेशन में रखू तो वन आर वन प्लस टू आर टू प्लस थ्री आर थ्री डिवाइडेड बाय वन प्लस टू प्लस थ्री इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के. तो आर वन प्लस टू आर टू प्लस थ्री आर थ्री इज इक्वल टू सिक्स आई के प्लस जे के प्लस के के. ये तो पहली पोजीशन है हमारी. जब तीन पार्टिकल थे तो ये पोजीशन थी. अब जैसे अपन फोर्थ पार्टिकल रखेंगे तो फोर्थ पार्टिकल रखेंगे तो क्या होगा. देखो सिस्टम कहां चला जाएगा ओरिजिन पर. RCM इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा. एम वन आर वन एम टू आर टू एम थ्री आर थ्री एम फोर आर फोर डिवाइडेड बाय वन प्लस टू प्लस थ्री या एम वन प्लस एम टू एम थ्री एम फोर इज इक्वल टू जीरो. इसका मतलब वन आर वन प्लस टू आर टू प्लस थ्री आर थ्री प्लस फोर आर फोर इज इक्वल टू जीरो. तो फोर आर फोर इज इक्वल टू माइनस में आर वन प्लस टू आर टू प्लस थ्री आर थ्री. आर वन प्लस आर टू प्लस थ्री आर थ्री का जो हमें वैल्यू दे रखी है थी तो क्या हो जाएगा फोर आर फोर डिवाइडेड बाय माइनस सिक्स आई के प्लस जे के प्लस के के. फोर नीचे लग रही डिवाइड कर दो और इसकी पोजीशन निकालो. इस पर पार्टिकल्स हैं एम टू एम थ्री एम फोर एम. इसकी जो साइड है वो टू सेंटीमीटर है. इसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन क्या होगा. फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इफ 3m is at origin.
3m को ओरिजिन पर रखा है तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होगी? मैंने कल पॉइंट्स निकालना सिखाया था तुम्हें, पॉइंट्स निकालिए जल्दी से। थ्री एम जीरो जीरो पर आ गया, फोर एम टू जीरो पर है, एम जीरो टू पर है और ये टू टू पर। ये हो गया तुम्हारा एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, एक्स थ्री वाई थ्री, एक्स फोर वाई फोर। एक्स सी एम निकालो, वाई सी एम निकालो और फिर आर सी एम निकालो। सिक्स बाय फाइव कॉमा थ्री बाय फाइव आ गया। एक्सीएम चेक करो, एम वन एक्स वन, एम टू एक्स टू, एम थ्री एक्स थ्री, एम फोर एक्स फोर डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री प्लस एम फोर। तो थ्री एम इंटू जीरो, 4m into 2, 2m into 2, m into 0 divided by m plus 4m, 2m, m। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, 8 और 4, 12m, 4, 7, 2, 9 और 1, 10, 1.2 आ रहे थे। XM 1.2 आ रहा है। हाँ सर वही आ रहा है। YCM देखो M आएगा ना। हाँ बेटा नीचे 10M आ के कैंसिल हो जाएगा। हाँ 10M M से M कैंसिल हो जाएगा तो 1.2 हो जाएगा। वही बोलो YCM बोलो तो 3M into 0 0.6 4m into भी 0, 2m into 2 और m into 2 divided by 3m plus 4m plus 2m plus m। ये 0, ये 0, 4 और 1, 5m, ऊपर 5m, नीचे 10m, 0.5, ठीक है। तो RCM is equal to 1.2 IK plus 0.5 JK, XCM plus YCM। तो RCM is equal to root of 1.2 square plus 0.5 square। 1.2 square का मतलब हो गया 1.44 और ये हो गया 0.25, root of 1.69 का स्क्वायर रूट होता है क्या? 13, 1.3 क्या? 1.3 सर। हाँ सही है ना। हाँ सर लास्ट का वो 2m आएगा ना सर, YCM में लास्ट को जो मतलब फोर्थ ये क्या? हाँ। M है ना बेटा, हाँ तो 2M है ना,
तो दो और चार छह, हाँ छह आएगा, सिक्स एम आएगा, मैंने गलत लिखा है शायद, ये टू एम और फोर एम, सिक्स एम, तो 0.6 कर दे इसको, 0.6 करेगा तो 0.36 हो गया, तो 0.6 का स्क्वायर 0.36, अब इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा बेचारे का, क्या करें, 6 4 10 एक, 4 4 8 एक, एक दो, 2.80 नहीं, 2.80 नहीं, 1.80, 1.80 का रूट बताओ, नहीं छोड़ दो कोई दिक्कत, ये करो सिस्टम ऑफ थ्री पार्टिकल्स, ये 2m है, ये 4m है और ये 3m है, इसकी साइड है 5 6 और फाइंड पोजिशन ऑफ सी ओ एम इफ 3m इज एट ओरिजिन, ओरिजिन पे वो किसी को भी डाल सकते हैं, ध्यान रखना जिसको ओरिजिन पे डालते हैं उसके कोऑर्डिनेट 0 0 कर दो, बाकी को जो जहां पे है वही ले जाओ, करो फटाफट पूर्ति से, वाई सी एम 3m इंटू 0, 4m इंटू 0 और 2m इंटू 3 रूट 3 डिवाइड बाय, नीचे तो वही आएगा 9m, दो तो 0 हो गए, ये हो गया 6 रूट 3 m से लिख रहा हूं, देख m से m कट गया, 3 2 जा 6 2 रूट 3 बाई 3 क्या, हाँ सर, तो फिर आर सी एम इज इक्वल टू एक्स सी एम 30/9 आई के प्लस 2√3/3 जे के, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर सी एम इज 900/81 प्लस 4√3/12/9, सोल्व कर दो इसको, हो गया भाई 4√7/3 नेक्स्ट लिखो, चलो याद तो रहता है तुम लोगों को इसका मतलब ना, पुराना पूछता हूं तो पता लग जाता है, एक और करो बेटा, थ्री पार्टिकल ईच 2 ग्राम, थ्री पार्टिकल्स ईच 2 ग्राम आर प्लेस्ड एट 2 2 2 2 minus 2 2 2 2 minus 2, फाइंड पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, चलो नेक्स्ट क्लास में कुछ और सेंटर ऑफ मास सिखाऊंगा, डिफरेंट डायग्राम्स में, रिंग है, हाफ रिंग है, डिस्क है, हाफ डिस्क है, बहुत सारा कुछ भी हो सकता है,
करके बताओ एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का करके बताओ जल्दी, फिर अनस्टेबल आ गया। इस क्लास में आते आते तो है ना जो दिक्कत हो जाती है, उसको बोलना कि यहां तक आते आते है ना साढ़े एम टू भी 2 ग्राम है और आर टू 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप है, एम थ्री भी 2 ग्राम है और आर थ्री इज इक्वल टू है 2i कैप 2j कैप माइनस 2k कैप। ठीक, तो आर सी एम आ गया M1R1 तो 2i प्लस 2j प्लस 2k प्लस 2i माइनस 2j प्लस 2k प्लस 2i प्लस 2j माइनस 2k 2 प्लस 2 प्लस 2 सब में कॉमन है और एक 2 और कॉमन है, तो 4 अगर मैं बाहर ले लूं इसमें से, 4 अगर बाहर लूं तो क्या बचेगा देख, i k प्लस j k प्लस k k प्लस आई के माइनस जे के प्लस के कैप प्लस आई के प्लस जे के माइनस के कैप डिवाइडेड बाय 2, 2, 4, 2, 6। तो एक जे से एक जे कैंसिल हो जाएगा, एक के से एक के कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास 2i कैप 3i कैप प्लस के कैप प्लस जे कैप। देखो चेक करो मेरा सही है तुम्हारा सही है, 3i कैप प्लस जे कैप अकेला है, के कैप भी अकेला है और नीचे हो जाएगा 3i i i 3i j j j अकेला है, करेक्ट है ना। बस इसका वो मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, 2/3 को बाहर रहने देंगे, √3² + 1² + 1² तो कैसे भी घुमा फिरा करके इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, कल कल वापस फिर टफ पार्ट लूंगा इसका, रिंग का, ट्रायंगल का, होलो कोन का, उन सब के अपन सेंटर ऑफ मास निकालेंगे कल। डिफरेंशियल इंटीग्रेशन एक बार रिवाइज कर लेना तुम लोग, ताकि दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ओके सर।